दुनिया का हर किस्म का परिंदा हमारे पास अवेलेबल होते हैं। कोई सभी शेर हो गए, हिरन हो गए, कोई सभी जो जानवर है वो हमारे पास हैं। इधर हाल फिलहाल हम लोग ये आर्य तोते हो गए, कॉकटेल हो गए, फिंच हो गए, लबड़ हो गए, लुटिनो हो गए, फिशर हो गए, अल्बिनो हो गए और बहुत कुछ, चकोर हो गए, काले तीतर हो गए, ईरानी तीतर हो गए, कैट हो गए वगैरह वगैरह, हमारे पास हर कुछ अवेलेबल है। These animals are not meant to live in cage. हमारा एक wrong concept है। हम ये समझते हैं कि हम उसको food दे रहे हैं, उस शेड दे रहे हैं तो animal बहुत अच्छा है बहुत, और ये हर लिहाज से जो है हम उसका वो कर रहे हैं, but उनकी जो natural requirements हैं, जो natural behaviors हैं और जो उनकी ज़रूरियात हैं, वो एक आज़ादाना तौर पर जो है ना operate करने के अंदर हैं। प्रोविंशियल एक्ट है, इसमें जो हमारे वाइल्ड लाइफ का और बर्ड्स का वो एडिक्वेटली कवर करता है। जो वीकनेस है, जो वीक लिंक है, वो इम्प्लीमेंटेशन वाला है। एज यू नो के हमारे इम्प्लीमेंटेशन वाला जो हमेशा एक फैक्टर है वो हमेशा डोमिनेट करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि बैंड यहाँ पर वाकई बिक रहे हैं, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट अब जो हमारी कानून साजी हो चुकी है नई, जो कि जिस तरह मैंने जिक्र किया कि एक्ट 2020 और रूल 2022, उसके तहत बिल्कुल कार्रवाइयाँ जारी हैं और इंशाल्लाह ताला आपको इसका नतीजा जो ये वो मैं समझता हूँ कि 1 से 2 महीने में आना शुरू हो जाएगा।